मंगलवार में त्रिदिवसीय श्री रतनत्रय महोत्सव के दूसरे दिन विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए आयोजित। मंगलवार कस्बे में श्री तगड़ी तीर्थ से श्री शत्रुंजय महातीर्थ का छहरी पारक तीर्थ यात्रा श्री मनमोहनगिरी संगोत्सव कार्यक्रम के तहत त्रिदिवसीय रतनत्रय महोत्सव के दूसरे दिन विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित हुए। ये चैरी पालक संघ यात्रा जेठ मलपुत्र किनाजी संकलेसा परिवार की ओर से निकाली जा रही है। दूसरे दिन प्रवचन में जैन मुनिराज आनंद विजय महाराज ने कहा कि हमेशा दान सुपात्र को ही दिया जाना चाहिए। जैन मुनि ने समाज की एकता को सशक्त बनने के लिए संगठन पर जोर देते हुए कहा कि हमें समाज हित में कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहकर हमें अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। जैन धर्म में प्राणी के कल्याण एवं अहिंसा का पावन संदेश दिया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर अहिंसा के अवतार भगवान महावीर ने जियो और जीने दो का संदेश दिया है। आज दुनिया में बढ़ रही हिंसा आतंकवाद की प्रवृत्ति को भगवान महावीर के अहिंसा शाकाहार के सिद्धांत ही बसाया जा सकता है। वहीं श्री राजेंद्र सूरी गुरुपुत महापूजन पढ़ाया गया। रात्रि में भक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें तनुष भाई ने एक से बढ़कर एक भक्ति कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। देर रात तक भक्ति संध्या पर श्रोता झूमते नजर आए।